साल 1518 में स्ट्रासबर्ग सिटी जो कि फ्रांस में स्थित है, जहां के इतिहास में एक ऐसी महामारी आई थी जिसमें लोग अचानक नाचने लगे और नाचते नाचते ही मर गए। ये इतिहास की काफी विचित्र और रहस्यमय घटना थी, पर ये कैसे हो सकता है जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपके पास आती रहे। दरअसल ये महामारी 1518 के जुलाई महीने से शुरू हुई, जब मिसेस ट्रॉफियर नाम की एक महिला ने स्ट्रासबर्ग की एक स्ट्रीट में जमकर नाचना शुरू किया और वह तब तक नाचती रही जब तक वह थककर गिर नहीं गई और आराम करने के बाद वह फिर से अपना आपा खोते हुए अनियंत्रित तरह से नाचने लगी। वह कई दिनों तक इसी तरह नाचती रही और लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब डॉक्टर्स और अथॉरिटीज को बुलाया गया तो वो मिसेस ट्रॉफिया के बर्ताव को देखकर डर गए और फिर ट्रॉफिया को शहर से दूर एक अस्पताल में ले जाया गया और उस वक्त कई लोगों ने से नाचते हुए देख लिया था और करीब एक हफ्ते के भीतर ही लगभग 30 लोग इसी तरह अनियंत्रित होकर नाचने लगे और धीरे धीरे इसकी संख्या तकरीबन 400 हो गई। फिर स्ट्रासबर्ग सिटी काउंसिल ने इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ फिजिशियंस और अथॉरिटीज से बात की और उन्होंने बताया कि ऐसा बिहेवियर काफी कॉमन है और इसके होने की वजह हॉट ब्लड या फिर ओवरहीटेड यानी विक्टिम्स का खून गर्म हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए विक्टिम्स के बॉडी से उस ब्लड को एग्जिस्ट करना होगा। लेकिन इस केस में लोग नाच रहे थे और उन्हें एक करके पकड़ना काफी मुश्किल था, इसलिए फिजिशियंस ने एक बड़ा स्टेज बनाने के लिए कहा जहां पर म्यूजिशियन के साथ साथ प्रोफेशनल डांसर भी थे और वो सब मिलकर नाचने लगे ताकि नाचने के बाद विक्टिम्स थककर रुक जाएं। लेकिन यह गलत साबित हुआ और ऐसा करने से और भी कई लोग नॉनस्टॉप नाचने लगे और इस पूरे इवेंट में लगभग 14 लोग नाचते नाचते मारे गए। सिटी काउंसिल अब समझ गई थी कि ये हॉट ब्लड वाली बात फालतू है। इस प्लेग में हर एक दिन करीब 15 लोग मर रहे थे और ये महामारी लगभग 3 महीने तक चली थी, जिसमें कई लोग नाचते नाचते बेहोश हो गए और सैकड़ों लोगों ने इस प्लेग से अपनी जान गंवा दी। फिजिशियंस और अथॉरिटीज किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि तब उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। लेकिन रिसेंट टाइम में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रूव और डेवलप हो चुकी है और कई मॉडर्न साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस ने इस मिस्टीरियस इवेंट पर रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान उन्होंने बताया कि अर्गॉट, जो आमतौर पर रोटी पकाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले अनाज जैसे राई पर उगता है। आपको बता दें कि अर्गॉट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे खाने के बाद हेलुसिनेशंस, जर्किंग इन्वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट और ब्रेन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं और इसी वजह से लोग नाचने लगे होंगे। लेकिन आज भी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस को एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि डांसिंग प्लेग किस वजह से आया था और यह घटना आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है।